हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दिन फ्राइडे और डेट है 27 सितंबर। तो सुबह सुबह का टाइम है, खाना बनने जा रहा है। तो मैं यहाँ पे पीस रही हूँ मसाला, सारे भुंजे हुए मसाले हैं, ये मम्मी ने भूंजे थे। खड़ी धनिया, खड़ी मिर्च नहीं पीसते हैं, खड़ी मिर्च है इसमें, हल्दी है और जीरा है, सौंफ है, सारे मसाले हैं जो भरमा में पड़ते हैं। तो ये सब मैंने सिल में पीस लिए हैं और बस इसमें नमक ऐड करके और मुझे इनमें भरना है। ये वही चचीड़े हैं जो मैंने कल आपको दिखाए थे, चचीड़े यहाँ पे मतलब बनते हैं, बहुत लगे रहते हैं बेल यहाँ पे, लोगों के यहाँ बहुत लोगों के यहाँ लगी हैं इसकी बेल, चचीड़े की बेल, तोरई की बेल। पहले हमारे पुराने घर पे बहुत चचीड़े लगे थे, बट अब तोरई की है और इसकी नहीं है। तो बस यहाँ पे तेल गरम हो गया है, मैंने तेल गरम करने के लिए पहले से रख दिया था और मैं सारे भरे हुए चचीड़े कढ़ाई में डाल के अच्छे से फ्राई कर दूंगी। इन्हें थोड़ी देर तक ऐसे ही फ्राई करते रहना है ताकि ये अच्छे से तल जाएं, थोड़े थोड़े से पक जाएं। और ये कटोरी में जो मसाले का पानी रखा था वो मैंने इसी में डाल दिया है। और ये मसाले का वो पानी है जो मतलब सिल में मसाला रह जाता है, उसको मैं पानी से हाथ से करके निकाल लिया है, तो सारा मसाला सिल का निकल आता है पानी के साथ में ही। तो बस यहाँ पे मैंने इनको पानी डाल के, थोड़ा सा पानी डालते हैं इसमें ज़रा सा, और ढक दिया। तो ये इसमें धीमी धीमी आग में इसी तरीके से पकते रहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। और चूल्हे पे जब ये सब्जियाँ सारी बनाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक अलग ही सौंधापन आता है। तो जब भी हम आते हैं तो मैं तो चूल्हे पे ही खाना मतलब पसंद करती हूँ, मम्मी से अक्सर कहती हूँ। रात के टाइम नहीं बनाते, दिन में बना लेते हैं, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, यहाँ पर बारिश बंद ही नहीं हो रही है। जब से मैं आई हूँ लगातार बारिश देख रही हूँ, इससे पहले भी यहाँ पर बारिश हो रही थी बट अभी लगातार हो रही है। तो फिर क्या है, रात में अगर बनाओ तो यहाँ पे कीड़े वीड़े आने का डर रहता है, छत पे ऊपर उड़ के आ सकते हैं और अंधेरा हो जाता है बारिश में। तो हम दिन में यहाँ पे आराम से खाना बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक रही हूँ, तो यही है बारिश का टाइम है तो थोड़ा सा धुआं धुआं सा हो रहा था, क्योंकि बारिश में जो ईंधन होता है तो थोड़ा सा सील जाता है। बट चूल्हे की रोटी खाने का बहुत मन था, बहुत ज़्यादा मन था, क्योंकि मुझे वहाँ पे नहीं मिल पाती हैं। तो मैंने कहा मम्मी चूल्हे की रोटी बनाएंगे, और फिर मैंने बेलने वाली तो मैंने बना ली, लेकिन हाथ की जो पानी वाली रोटी होती है वो मैंने मम्मी से बनवाई, क्योंकि मम्मी पानी लगा के जो रोटी बनाते हैं, हथपई रोटी बोलते हैं, जैसे हथपई रोटी बोला करते हैं हम लोग, वो रोटी मम्मी बहुत अच्छी बनाती हैं और उनसे चिपकती भी नहीं है। मतलब थोड़ा सा तवा में, पहले तवे में पोता लगा देती हैं, पोता बोलें तो वो थोड़ा सा ऑयल लगा देती हैं, मम्मी की लैंग्वेज में पोता बोलते हैं, वो लगाने के बाद रोटी बहुत अच्छे से पलट जाती है। और ये देखिए मम्मी ने हाथ की रोटियां बनाई, कितनी अच्छी दिख रही हैं, करारी करारी। और बीच में लाइट चली गई थी तो कोई वीडियो शूट नहीं करा मैंने। और यहाँ पे नंदनी भूंज रही है चने, और ये चने देखो कितनी अच्छी तरीके से, इसकी अलग ट्रिक से भूंजा गया है, मम्मी ने बताया इस तरीके से मो के कुछ भूनते हैं पानी और नमक में, तो बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं शेयर करूँगी कि चने कैसे भूने गए हैं। ये नॉर्मल जो बाजार वाली नमकीन है उससे बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे सब लोग नाश्ता वास्ता करके बैठे हुए थे कमरे में, और अब शाम का खाना बनना स्टार्ट हो गया। मैंने बताया ना कि बीच में लाइट चली गई थी तो वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि महुआ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये गांव जैसा ही है एक तरीके से कहा जाए, तो यहाँ पे लाइट बहुत जाती है, बहुत कटती है बीच में, और बारिश का मौसम है तो अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है अंदर बिल्कुल। तो फिर हम लोगों ने शाम को ये चाय वाय की और चने के साथ चाय पी है हमने, बहुत टेस्टी चने लग रहे थे। नॉर्मल जो बाज़ारों में इस समय बरसात में नमकीन आती हैं बहुत सीली हुई आती हैं, बट ये घर के जो चने हैं बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे मम्मी करेलिया की सब्जी बना रही हैं, जो छोटे वाले करेले होते हैं तो मम्मी ने काट लिए हैं, तो मैंने यहाँ पे उसके साथ में आलू काट दिया है। तो आलू प्याज मैंने काट दिया, मम्मी करेले काट ले रही, क्योंकि छोटे छोटे करेले काटने बहुत टाइम लगता है। इसको किचन से पकड़ के लाई हूँ, ये वहीं भाग भाग के जाता है। और यहाँ पे बस मैं सब्जी वब्जी पलट के रख रही थी, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह पापा और लाए थे, और ये सेब वगैरह मुझे पलट के रखने हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे मैंने देखा सब्जियाँ फल बहुत अच्छे और बहुत सस्ते मिलते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रेश मैंने महोबा में ही सब्जी और फल देखे हैं जो मिल जाते हैं मार्केट से, पापा लाते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे ले देखा है जब लाते हैं तो इतनी फ्रेश नहीं मिल पाती हैं और बहुत महंगी सब्जियाँ मिलती हैं वहाँ पे। तो पापा जो सेब लाए हैं वो भी मैं मम्मी से कह रही हूँ कितने फ्रेश फ्रेश लेके आए एकदम सेब। और मम्मी जा रही हैं पूजा करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ वगैरह टोकरी में सारी लगा दी हैं और सब्जी भी कट गई है जो मुझे अभी छौंकनी है। और अयान के लिए दलिया बना दिया है कुकर में पहले ही, क्योंकि उनको पहले ही खिला देंगे ताकि वो आराम से सो जाएं। और नंदनी ने रोटियाँ भी बना ली हैं बस, और मम्मी शायद पूजा करने गई हैं, अभी मैं जाके देखती हूँ, मम्मी शायद पूजा ही कर रही हैं। तो
यहाँ पे मम्मी शाम वाली पूजा कर रही हैं, शाम को जो दीपक जलाते हैं वही पूजा कर रही हैं यहाँ पे। और नीचे एक तस्वीर बनी होगी, उसको देख के आप लोगों के मन में इच्छा हो रही होगी जानने की कि ये क्या, मतलब ये तस्वीर क्यों बनी हुई है। तो यहाँ पे एक हलछठ की पूजा होती है जो निकल गई है कुछ दिन पहले, तो हर साल इसी तरीके से दीवार में तस्वीर बनाई जाती है इनकी। तो ये अभी हमारा नया घर है तो यहाँ पे एक ही तस्वीर बनी है, वरना जो पिछली वाली होती है वहाँ पे पुताई कर दी जाती है और फिर एक नई तस्वीर दूसरी जगह पे बना दी जाती है अगले साल। तो वो ये वही तस्वीर है। और यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ सब्जी, तो ये छोटे वाले करेले की सब्जी बना रही हूँ मैं, और इनको पहले ही नमक और पानी डाल के रख दिया था, उसके बाद मैंने इनका नमक साफ़ कर लिया है, नमक धुल लिया है, वरना सब्जी में ज़्यादा नमक हो जाता। और नमक डाल के रखने से एक फ़ायदा होता है कि इनका जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है, फिर सब्ज़ी कड़वी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन हरी मिर्च वगैरह भून लिया था, उसके बाद मैंने सब्जी डाल के अच्छे से फ्राई कर दूँगी, फिर इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड कर दूंगी, फिर थोड़ी देर के लिए ढक देंगे तो सब्ज़ी अच्छे से पक जाएगी और इसे फ्राई कर देंगे। और मसाले मैंने इसलिए पहले ऐड नहीं किए ताकि ये जल ना जाए। तो बस यहाँ पे मैं मसाले ऐड कर रही हूँ सब्जी में। नंदनी डिब्बा उठाओ ऊपर रखो, ज़्यादा हाइट का कुछ फायदा हाइट वाले नहीं ऊपर पहुँच रहे, लो ऊपर रखो, नंदनी की हाइट अच्छी है। और मम्मी ने आलू परवल भी भून दिए थे, मतलब चूल्हे पे, ये देसी वाले परवल है तो यहाँ आलू और परवल का भरता भी बन जाएगा और सब्ज़ी बन जाएगी, क्योंकि देसी वाले परवल का भरता फ़ायदा भी करता है बहुत और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये दो चीज़ें हो जाएंगी खाने में, सब्जी और भरता। अयान को सुला रहे हैं, गोलू गोलू सुलाने में लगा हुआ है, देखिए कैसे इसके ठोकने का स्टाइल है इसको सुलाने का, और ये उसी के साथ बहुत खेलता है गोलू के साथ में। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे गोलू मतलब ये नंदनी और जो गोलू है वो आपके भाई बहन इतने छोटे छोटे हैं, तो ये मेरे भाई बहन नहीं है और नंदनी जो है बड़ी वाली दीदी की लड़की है। और तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तन मांज ले रही हूँ, और कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ती है तो इसके लिए इसको पहले मिट्टी से मांजना पड़ता है, उसके बाद मैं इसे साबुन से दो बार मांजूँगी और फिर मैं सारे बर्तनों को दो दो बार पानी से धुल के रख दूँगी। और कल श्राद्ध है तो सारे किचन विचन की भी सफाई हो रही है और सारा सब कुछ आज ही साफ़ करके किचन वगैरह धुल के, मतलब धुलती रोज़ है लेकिन अच्छे से आज ऊपर से पूरा साफ़ करना धुलना है। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ करने में लगी हुई, और यहाँ आने के बाद मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है। आयान के पापा मुझे एक आध बार याद दिलाते हैं कि जाने के बारे में कैसे क्या टिकट करा लूँ, तो मुझे बहुत गंदा लगता है, अंदर से अजीब सा लगने लगता है, पता नहीं बहुत ही बेचैनी सी घबराहट सी होती है। यहाँ आके मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है वापस जाने का, और एक हफ्ते रुक गई तो अब बिल्कुल से यहाँ मन लग गया है, बिल्कुल भी वापस जाने का मन नहीं है सच में, बिल्कुल बहुत बुरा लगता है अंदर से, बहुत अंदर से एक बेचैनी सी रहती है कि मुझे जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। और सच में लड़कियों के साथ में क्या है ये, मतलब कैसी रीत बनाई है कि वो नहीं भी चाहती है फिर भी उन्हें जाना पड़ता है, और अपने घर पे रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं रहता है, उन्हें मतलब जाना ही पड़ेगा, जाना है तो जाना है। सच में ये चीज़ मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, बहुत दुख होता है अपना घर छोड़ के जाने में, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो बस यहाँ मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं हो सकती, और इन्हें थोड़ी देर बाद मैं ऊपर डलिया में लगा दूंगी। और यहाँ किचन पूरी साफ़ हो गई है, ये शाम को ही हमने रात में साफ़ करके डाल दिए, तो सारा काम यहाँ पे फिनिश हो गया है किचन का, और कल मम्मी श्राद्ध करेंगी। क्योंकि अभी बच गए हैं रात में 11 और सब लोग सो गए हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी लेट तक जागने की आदत है शुरू से ही, आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं रात में पहले एडिटिंग किया करती थी तो मुझे नींद नहीं आ रही 11 बजे, क्योंकि यहाँ सब लोग सो जाते हैं 9 बजे खाना पीना होने के बाद में, और सारा दिन सच में बिल्कुल भी यहाँ पता नहीं चलता। जब से यहाँ पे मैं अपने घर पे आई हूँ पूरा दिन बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, कब बातों बातों में निकल जाता है दिन में, हम लोग बैठ जाते हैं दोपहर पता ही नहीं चलती कब शाम आ गई, क्योंकि बहुत दिन बाद जब मिलते हैं ना अपने माँ बाप से तो बातें ख़त्म नहीं होती है, तो सारा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। और इतने दिन के बाद घर आए हैं तो घर आने की एक अलग खुशी है, और यहाँ पे ये होता है ना मन के जो हम खाना पहले बचपन में खाया करते थे वो सारी चीज़ें खाने को मिल जाती हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाती हैं कि मुझे चूल्हे की रोटी मिल जाए या हाथ वाली रोटी मिल जाए या इस तरह की सब्जी मिल जाए या चूल्हे से भुंजे हुए आलू का भरता मिल जाए, ये सारी चीज़ें मुझे उधर नहीं मिल पाती हैं, तो मैं इन चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ। और कल है श्राद्ध तो थोड़ा सा उसकी भी तैयारी मम्मी ने रात में ही कर दी है सारी, तो कल वो सब करना है, क्योंकि कल जो श्राद्ध में कल लास्ट दिन होता है ना श्राद्धों का जो, तो उसमें क्या होता है कि सारे जो हमारे पूर्वज होते हैं पुरखों उनको विदा किया जाता है, तो वो सारा मम्मी करेंगी सारा पूजा पाठ कल उनका, और सारे खाने वाने पकवान वगैरह बनाएंगी जो बनाती हैं, तो ये सब करना है, इसलिए फिर मम्मी ने कुछ चीज़ें अभी करवा ली हैं। तो बस मैंने कहा कि रात हो गई है आप लोगों से बात हो जाए,
रात बाकी बात बाकी ऐसा ही कुछ था, तो मैंने कहा ये बात बाकी नहीं रहनी चाहिए। आप लोगों से बात किए बिना ना कुछ अधूरा सा लगता है कि अभी मेरे ब्लॉग में कुछ अधूरा है, और वही यही चीज़ है कि मैं पहले बीच बीच में आके आप लोगों से बात जरूर करती थी, बट यहाँ पे इतना बिजी हो गई ना, इतना बिजी हो गई मैं आके, इतना खो गई ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में, ऐसे खो गई मैं खुद को ही भूल जाती हूँ, तो मेरा दिन और रात कुछ भी नहीं पता चलता। और इतनी जल्दी जल्दी दिन निकल रहा है ना, इतनी जल्दी, जब मैं वाइजैग में थी तब गिनती थी दिन कि इतने दिन बाद जाना है मुझे, इतने दिन बाद जाना है, लेकिन यहाँ के इतनी जल्दी जल्दी एक हफ्ता बीत गया जब मैं बैठ के दिन गिनती हूँ ना कि मेरे पास बस इतने दिन बाकी हैं अभी यहाँ रहने के लिए, तो मेरे को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। फिर मुझे लगता है ये जितने दिन बाकी हैं इनमें मैं जी भर के जी लूँ यहाँ पे, मतलब बाकी चीज़ें जो मेरे काम है शौक है वो पूरे कर लूँ यहाँ के, वही चीज़ होती है, वो चीज़ों को बहुत मिस करते हैं वहाँ पे, और फिर लगता है ना ये दिन मतलब जल्दी जल्दी ना बीते, थम जाए कुछ दिनों के लिए, कुछ और रुक जाए यहाँ पे रहने के लिए, बट ऐसा हो नहीं पाता है। और उस चीज़ को सोचते हैं ना कि अभी मेरे को जाना भी है, तो थोड़ा सा अंदर से एक होता है ना अजीब सी फीलिंग आती है, बहुत अजीब सी होती है, लोग आप लोग समझ सकते हैं कौन सी फीलिंग आती होगी, तो वो फीलिंग है जो एक आ रही है कि अभी जाना है जाना है जाना है। काश ये होता ना कि ये दिन और बढ़ जाते, वहाँ तो सोच के आए थे कि हाँ इतने दिन तो बहुत है हम रह लेंगे, चलो इतने दिन के लिए रहने को मिल जाएगा उतना ही बहुत है, बट यहाँ के लग रहा है ये दिन तो बहुत कम है और पता ही नहीं चले ये दिन। बस यही होता है, यही ज़िंदगी है, क्या कर सकते हैं हम लोग, नहीं कुछ नहीं कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन एक मन करता है कि ना जाना पड़े ना जाना पड़े, फिर क्या कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, आज का ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और एक लाइक ज़रूर दे दिया करिए, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपना 100% देने की कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आए, तो एक लाइक ज़रूर दिया करिए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।